हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे 16 से 30 नवंबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। दोस्तों टॉप 40 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वाड समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों क्वाड समिट 2022 का आयोजन जापान में किया जाएगा। ऑप्शन बी जापान इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें 2021 का क्वाड समिट यूएसए में आयोजित किया गया था, 2022 का जापान में, 2023 का इंडिया में और 2024 का ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं जापान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों ये है भोपाल और इंदौर, इन दोनों शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर होगा। सीएम के द्वारा यह घोषणा की गई है, बढ़ती आबादी और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश के इन दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एटीपी का चैंपियन बना है? तो दोस्तों हाल ही में एटीपी का चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वरेव बने हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अलेक्जेंडर ज्वरेव। दोस्तों ये जर्मनी के रहने वाले हैं जिन्होंने एटीपी का फाइनल हाल ही में जीता है। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये जर्मनी के रहने वाले हैं। दोस्तों 2018 में भी इन्होंने एटीपी का फाइनल जीता था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर ज्वरेव जो एटीपी फाइनल जीते हैं ये किस देश के रहने वाले हैं? तो आपको याद रखना है ये जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, भोपाल और इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसका आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा, यही आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है? तो दोस्तों पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम टाट्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, टाट्या मामा रेलवे स्टेशन। दोस्तों आपको बता दें कुछ और जो चेंजेस किए गए मध्य प्रदेश में शहरों के नाम, कुछ जगहों के नाम, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% जैविक खेती करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों 100% जैविक खेती करने वाला देश का पहला जिला बना है डांग। डांग आपको बता दें ये गुजरात का एक जिला है जो देश में 100% यानी 100% खेती जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है। आपको अगर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो ये है कि 100% जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य सिक्किम था। उसके बाद अगर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूटी कौन सा था प्रथम जहां पर जैविक खेती की गई, तो वो था लक्षद्वीप। और अब अगर बात करें जिले की तो ये है जिला डांग जो गुजरात का है, जहां पर 100% जैविक खेती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवी अहिल्याबाई सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में मालिनी अवस्थी, ऑप्शन बी मालिनी अवस्थी जी को देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें इस अवार्ड की शुरुआत 1996 में की गई थी। मध्य प्रदेश का यह बेस्ट अवार्ड है। अगर बात करें 2019 के अवार्ड की तो यह 2019 का अवार्ड शांतिबाई को दिया गया था जो मंडला की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अली चैंपियंस ट्रॉफी 2021 और 22 का चैंपियन कौन बना है या किसने जीता है? तो दोस्तों मुश्ताक अली ट्रॉफी को 2021-22 में तमिलनाडु ने जीता है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। आपको बता दें सर्वाधिक बार मुश्ताक अली का टाइटल जीतने वाली तमिलनाडु ही टीम है, 3 बार इसने मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। 2019-20 में जो चैंपियन था वह कर्नाटक था, ये भी आपको याद रखना है। क्रिकेट से संबंधित है यह कप, मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो वह क्रिकेट से संबंधित है। पहली बार यह ट्रॉफी 2006-2007 में खेली गई थी, तब भी तमिलनाडु ही चैंपियन बना था। तो आपको दो ट्रिक तो यहीं से याद हो गई कि 2021-22 और 2007-08 का जो चैंपियन था वह तमिलनाडु था और सबसे ज्यादा बार तमिलनाडु ने ही इसे जीता है। दोस्तों बात आई है तमिलनाडु की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु की राज्य की मैप है। राजधानी चेन्नई है। 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु राज्य बनाया गया था। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है।
राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। दोस्तों बात करें यहाँ के डांस की तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख डांस है, मैमल नीलगिरी ताहिर है। वहीं बात करें अगर फ्लावर की तो ग्लोरिसा लिली यहाँ का फ्लावर है। ट्री की बात करें तो पाम ट्री तमिलनाडु का ट्री है और कबड्डी यहाँ का राजकीय खेल है। तो इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया की वुमन पावर 2020-21 लिस्ट में हाल ही में कौन शामिल की गई है? तो दोस्तों इस लिस्ट में हाल ही में रानी रामपाल को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको याद रखना है रानी रामपाल भारतीय जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान है और इन्हें फोर्ब्स इंडिया 2021 की वुमन पावर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको एक फैक्ट है। दोस्तों आपको एक और याद रखना है कि वर्ल्ड कप में भाग लिया और पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदौर में MR10 बस स्टैंड का नया नाम क्या रखा गया है? तो इंदौर की MR10 बस स्टैंड का नया नाम टाट्या भील के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। इंदौर के MR10 स्टेशन का नाम टाट्या भील बस स्टैंड किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो बदलाव किए गए हैं मध्य प्रदेश में उनके बारे में भी आपको बता दें तो पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टाट्या भील किया गया है। भंवरकुआ जो चौराहा था उसका नाम भी हाल ही में टाट्या भील किया गया है। वहीं होशंगाबाद जो जिला है उसका नाम बदलकर हाल ही में नर्मदापुरम जिला किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी भारत गौरव ट्रेनें शुरू की गई हैं? तो दोस्तों हाल ही में 190 भारत गौरव ट्रेनें शुरू की गई हैं। ऑप्शन डी 190 इसका सही आंसर होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत में 190 भारत गौरव ट्रेनें शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महान व्यक्ति की जन्म स्थली को राष्ट्रीय धरोहर बनाया जाएगा? तो इसका आपको याद रखना है ये जन्मस्थली है हमारे भीमराव अंबेडकर जी की महू, यानी महू को जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा मध्य प्रदेश में और इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाया भी जाएगा। तो ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू इसका सही आंसर होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 में इसका कौन सा संस्करण आया है? तो दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का यह पांचवा संस्करण 2022 में आया है। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन फोर्थ जिसका आंसर है पांच। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जा चुका है। दोस्तों यह सेंसस का छोटा रूप होता है, यानी जनसंख्या जो गणना जनगणना की जाती है उसका यह छोटा रूप होता है, लेकिन इसमें लगभग जनगणना के अनुसार ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं तो 1992-93 में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया गया था। आपको बता दें पहली बार भारत में हुआ है कि लिंगानुपात 1020 हुआ है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हो गई है। इंटरनेट की पहुंच भारत के 33.3% महिलाओं तक पहुंच गई है। देश में प्रजनन की दर 2.1 रही है। दोस्तों शराब पीने में सबसे आगे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बताए हैं जिसका पांचवा संस्करण हाल ही में आया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को हाल ही में बिग बैश लीग में टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे गरीब राज्य बना है बिहार। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 जारी की गई है जिसमें बिहार सबसे गरीब राज्य बनकर उभरा है। दोस्तों ये कोई बेइज्जती वाला काम है, लेकिन सबसे जो गरीब राज्य बना है वह है बिहार। इसके बाद आता है झारखंड, फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। नीचे से चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में। तो सबसे अच्छा राज्य बताया गया है केरल को। वहीं अगर पोषण की बात करें या कुपोषित पोषण की बात करें तो बिहार उसमें सबसे आखिरी में है। अगर स्वच्छता की बात की जाए तो झारखंड इसमें सबसे आखिर में है और सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह है दादर एवं नगर हवेली। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको इस गरीबी सूचकांक के बारे में याद रखने हैं।
दोस्तों बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में मध्य प्रदेश की लोकेशन के बारे में बता दें। ये मैप में लोकेशन आप मध्य प्रदेश की देख पा रहे हैं। बात करें आप कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। भोपाल यहाँ की राजधानी है। मगन भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें अब पुरस्कारों की, तो कालिदास, शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व, ये पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। अगर बात करें उद्यान की, तो बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव पेंच, पन्ना टाइगर, सतपुड़ा रिजर्व और वन विहार, ये प्रमुख रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के। बात करें जलप्रपात की, तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, ये प्रमुख जलप्रपात हैं। बांधों की बात करें तो बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और वारणा, ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी नई दिल्ली है। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है यूएसए। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। विश्व लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएसए में किया जाएगा 2021 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां से एक ना एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, याद रखना है। दोस्तों बात आई है यूएसए की, तो आप मैप में ये लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये है यूएसए वर्ल्ड मैप में। बात करें राजधानी की, तो वॉशिंगटन डीसी राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के जो हैं वह जो बाइडन है। मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर है। दोस्तों बात करें अगर डेजर्ट की, तो ग्रेट बेसन डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और मोजाब डेजर्ट प्रमुख डेजर्ट है यूएसए में। वहीं बात करें अगर झील की, तो सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये प्रमुख झीलें हैं यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में कौन सी आईएनएस शामिल की गई है? तो दोस्तों हाल ही में आईएनएस कलवरी को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कलवरी। ऑप्शन डी कलवरी यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में आईएनएस कलवरी को शामिल किया गया है। दोस्तों इससे पहले कुरंज, बेला, वागीर और वागशीर, ये 75 के अंतर्गत बनाई गई आईएनएस है जिन्हें शामिल किया जा चुका है, और अब हाल ही में कलवरी को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर की हाल ही में 152वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 152वीं जयंती। डॉक्टर हरि सिंह गौर जिनके नाम पर मध्य प्रदेश के सागर में सब पहला विश्वविद्यालय जिसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, इन्हीं के नाम पर यह इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, और इस जो इनकी जयंती थी वह 152वीं थी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ सोलर पार्क का भूमि पूजन किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में शाजापुर में सोलर पार्क का उद्घाटन या भूमि पूजन किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी शाजापुर सही आंसर होगा। आपको बता दें 1500 मेगावाट बिजली बनेगी मध्य प्रदेश के शाजापुर में सोलर से। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की ग्रामीण पर्यटन रिपोर्ट के मामले में नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की ग्रामीण पर्यटन रिपोर्ट में नंबर 1 राज्य बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने मध्य प्रदेश के बारे में हाल ही में बताई हैं, वो आपको याद रखना है। वीडियो को पॉज कीजिए और रिवाइज कीजिए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से वो फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवार में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जेवार इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जेवार एयरपोर्ट नोएडा के पास बनाया जा रहा है। दुनिया का यह 4th और यूपी का 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास 2024 में किया, इसका शिलान्यास तो अभी किया गया है लेकिन यह बनकर 2024 में तैयार हो जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा यूपी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती युद्ध अभ्यास का संस्करण हाल ही में कौन सा कराया गया है? तो दोस्तों दोस्ती युद्ध अभ्यास का संस्करण हुआ था यह 15वां, जिसका ऑप्शन डी 15वां सही आंसर होगा। अब ये युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो आपको बता दें, ये युद्ध अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच कराया गया है। दोस्ती नाम का यह युद्ध अभ्यास हम तीनों देश मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच कराया जाता है, जिसका यह 15वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम कनेक्ट 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम कनेक्ट का आयोजन हाल ही में चेन्नई में किया गया है। तो ऑप्शन ए चेन्नई इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस कार्यक्रम का यह 21वां संस्करण था। आपको बताएं, 2030 तक राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद के 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसमें जो भागीदार देश हैं वह ऑस्ट्रेलिया और यूके बने हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम कनेक्ट की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई और यह इसकी 21वां संस्करण था। एशिया युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों एशिया युवा खेल 2025 का आयोजन ताशकंद में किया जाएगा, जो उज्बेकिस्तान में है। तो आपको इसका ऑप्शन डी होगा सही आंसर। आपको याद रखना है, ताशकंद राजधानी उज्बेकिस्तान की, और यहीं पर एशिया युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, 2021 का जो आयोजन है वह बहरीन में किया गया है, और बहरीन में एशिया युवा पैरा खेल का जो आयोजन किया गया था वह 4th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वाहनों पर कर लगाने मोटर कराधान विधेयक 2021 लाया है? दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उन पर कर लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान विधेयक 2021 लाने वाला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बताइए आंध्र प्रदेश की, चलिए आपको मैप में आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हो, ये आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और ये तेलंगाना बन गया, और इतना जो बचा पार्ट है वह आंध्र प्रदेश का है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी, और अगर बात करें प्रस्तावित राजधानी है तो यह अमरावती, यानी जो जब अमरावती बनकर तैयार हो जाएगी तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। राज्यपाल यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन है। YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। 1 नवंबर 1953 को यह राज्य बनाया गया था, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है भारत का। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें यहाँ के डांस की, तो कुचिपुड़ी यहाँ का फेमस डांस है। मैमल की बात करें तो ब्लैक बक राजकीय मैमल है आंध्र प्रदेश का। वर्ल्ड पैरट है। फिश की बात करें तो मुड फिश यहाँ की प्रमुख फिश है। फ्लावर की बात करें तो जासमिन है, और अगर फ्रूट की बात करें तो मैंगो है। वहीं आंध्र प्रदेश का राजकीय ट्री नीम है। तो आपको इतना आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराग अग्रवाल को किस कंपनी का नया CEO बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ट्विटर। ट्विटर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पराग अग्रवाल हाल ही में ट्विटर के नए CEO बने हैं। दोस्तों बात आई है ट्विटर की, तो चलिए आपको बता दें, ट्विटर का फाउंडेड यानी जो ट्विटर खोजा गया था वह 21 मार्च 2006 में, इसका जो हेडक्वार्टर वह सैन फ्रांसिस्को USA में है। फाउंडर जैक डॉर्सी थे, और हाल ही में जो चेयरमैन है वह भी पैट्रिक पेसेस्ट इसके जो है चेयरमैन है, और हाल ही में CEO बनाया गया है पराग अग्रवाल को। दोस्तों कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम चर्चा करें, तो आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया था नवंबर में, तो इसी के बारे में हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो इसका आयोजन UAE और ओमान में किया गया था, आयोजक टीम भारत था। वहीं विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसका विजेता बना है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, और विजेता न्यूजीलैंड बना है। मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर को दी गई थी। सर्वाधिक रन बाबा आजम के द्वारा 303 बनाए गए हैं, और मोस्ट विकेट या सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं वह बानेंदु हसरंगा, इन्होंने 16 विकेट लिए हैं, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। यही फैक्ट मैंने आपको इंग्लिश में दिए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं जो इंग्लिश पढ़ने वाला व्यक्ति है। कुछ एक और दोस्तों सर्वे, स्वच्छता सर्वे 2021 की रिपोर्ट आई थी, उसके भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लें। दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये जो दो फैक्ट अभी लास्ट में मैंने अटैच किए हैं उनको आपको याद रखना है। तो आप सबसे पहले बता दें, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है 5वीं बार, उसके बाद सूरत और विजयवाड़ा है। सबसे स्वच्छ गंगा जो शहर है वह वाराणसी बना है। सबसे स्वच्छ राज्यों की बात करें अगर, तो छत्तीसगढ़ है, जहां पर 100 से अधिक शहरी निकाय हैं।
अगर बात करें 100 से कम शहरी निकायों में कौन सा सबसे स्वच्छ राज्य बना है, तो वह है झारखंड। सबसे स्वच्छ शहर बीटा महाराष्ट्र बना है, जहां पर 1 लाख से कम की आबादी है। अगर बात करें सबसे स्वच्छ जिला की, तो सबसे स्वच्छ जिला बना है सूरत। अगर शहर में भी यह दोस्तों दूसरे नंबर पर है, लेकिन जिलों में यह पहले नंबर पर है। सबसे तेज चलने वाला सबसे छोटा शहर कौन सा है, तो यह होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है, वह सबसे तेज चलने वाली है, यानी सबसे ज्यादा तरक्की होशंगाबाद में हो रही है पूरे देश में। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड अहमदाबाद छावनी को चुना गया है। और वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो ओवरऑल सबसे स्वच्छ राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा रहा है। तो ये आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के लेके आया हूँ। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ये पीडीएफ बनाई है, आप इसका एंजॉय करें और टाइम टाइम पर इनका रिवाइज जरूर करते रहें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की है नवंबर करंट अफेयर के बारे में। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं अकेला मेहनत करता हूँ, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक पहुँचती है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, तो इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।